बात करें लिट्टी चोखा की, कुछ उसके बारे में बात करें कि किस टाइप को रिलीज हो रही है और उसकी मेकिंग को जैसे लेकर आपने बताया, तो क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म को लेकर के दर्शकों से जो 6 अप्रैल को रिलीज हो रही है? जी ये 9 अप्रैल को शायद रिलीज़ हो रही है, कुछ अगर डेट का कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे लगता है कि वो 9 अप्रैल को ही रिलीज़ हो रही है शायद। और देखिएगा, इसका इसकी जो ख्याति है वो ज़रूर हर व्यक्ति के दिल दिमाग पर छा जाएगी, क्योंकि कहानी ही अनूठी है, लोकेशन भी अनूठी है और हमारा डायरेक्टर भी अनूठा है और निश्चित तौर पर बावा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन भी अनूठा है और जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे केसारी लाल जी हों, चाहे काजल जी हों, मैं हूं और भी करण पांडे हैं, और सबसे अच्छी बात कि मनोज टाइगर ने उसमें कमाल का अभिनय किया है, बहुत अच्छा अभिनय किया है। मैं मतलब पहले मेरी अंदर से एक जिज्ञासा थी कि मुझे टाइगर वाला रोल करना है, लेकिन बाद में मैंने कहा कि मैं शायद इसके साथ उतना न्याय नहीं कर पाता जितना मनोज टाइगर ने किया है, तो वो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और हमने आगे वाली पिक्चर में भी सोचा था कि मनोज को लेंगे, लेकिन कुछ स्टोरी में ऐसा तारतम्य नहीं बन पाया कि उनको लिया जाएगा, या कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था, वो अपने आप में बहुत बड़े अभिनेता है ही है, तो हमारी अगली पिक्चर में भी है। हम लगातार अपने साथियों के साथ में काम करते रहेंगे। और लिट्टी चोखा की बात की जाए तो इसमें पराग पाटिल जी को अगर मैं उनकी प्रशंसा नहीं करूं तो ये बेईमानी हो जाएगी। निश्चित तौर पर राकेश त्रिपाठी जी और पराग पाटिल जी की टीम और हीरा लाल जी की टीम, जिसमें फाइटिंग भी है, और बुंदेलखंड के लोगों की जिस तरीके का उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट दिया है, काबिले तारीफ है। और उनको तो मैं अभी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन सभी बुंदेलखंड वासियों को और जो इस फिल्म के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी मेहनत का पहला जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, तो सब लोग अपने परिवार के साथ जहाँ भी उनको हॉल मिले, जिस भी जगह पर पहुँचे, उसको देखना चाहिए। लिट्टी चोखा अपने आप में एक कामयाब और सुखद अनुभूति करने वाला सिनेमा होगा। किस रूप में आप नजर आएंगे लिट्टी चोखा में? लिट्टी चोखा तो मैं एक लहसुन सिंह जो है कैरेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, और अलग कैरेक्टर है, विलेन की भूमिका है, तो देखिएगा किस रूप में आता हूँ, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा आपको। जैसे कि फर्स्ट लुक रिलीज हुआ उसमें एकदम देहाती बाबू खेसारी जी दिखे और काजल जी भी देसी लुक में साड़ी पहने हुए, जो गांव की देहाती महिलाएं पहनती हैं उस रूप में साड़ी पहने नजर आएं, तो क्या वही फिल्म में उसी तरह से वो दोनों लोग नजर आएंगे, दोनों कलाकार, या कुछ अलग भी उनका लुक होगा? क्या सस्पेंस है? सस्पेंस नहीं है, फिल्म है। और फिल्म जो है, जब आपकी जिज्ञासा को कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो फिल्म में हो थिएटर में जाकर देखेंगे कि अब क्या होगा और आगे क्या होगा, इसी पर आधारित पिक्चर है। अभी से अगर मैं कुछ बताऊंगा या बोलूंगा वो उचित नहीं होगा फिल्म के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, कि आप जब वहाँ जाकर देखेंगे। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनता जो है किसान है, और अगर केसारी लाल और काजल किसान की भूमिका में नज़र आते हैं तो उन सभी किसानों के लिए एक बहुत सुखद अनुभूति होती है कि हमने उनकी इस कहानी को प्रेजेंट किया है, उनके दुख को प्रेजेंट किया है, उनकी तकलीफ़ों को प्रेजेंट किया है, उनकी गरीबी किस तरीके से उनकी भूख प्यास के बिना भी अपने बच्चों को या किसी को भी किस परिवार का पालन पोषण करते हैं वो, इस बारे में हमने दर्शाने का कोशिश किया है। तो निश्चित तौर पर पूरे सभी लोगों को परिवार के साथ एक बार, पारिवारिक फिल्म है, हर घर की कहानी है, तो लोगों को वहाँ थिएटर तक खींचने की उम्मीद करते हैं कि लोग थिएटर में फिल्म देखने का मज़ा अलग है। आजकल छोटे पर्दे पे बहुत सारी फिल्में देखी जाती हैं, मज़ा नहीं है। जब तक पॉपकॉर्न ना हो, फिल्म का इंटरवल ना हो, बाहर की चाय ना हो, उन सब का स्वाद लेने का मज़ा है सिनेमा। तो आप दर्शकों से यही एक अनुरोध है, विनती है कि आप लोग लिट्टी चोखा देखने और जो भी फिल्म है एक बार जाकर देखने का प्रयास करें। पारिवारिक, सामाजिक, निश्चित तौर पर आपके घर की कहानी होगी।
इसी से आपकी जुड़ेगी कहानी। इतना ही मैं लिट्टी चोखा के बारे में कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जैसे भी आपने कहा प्रदीप के शर्मा जी के बारे में, प्रदीप जी एक सुलझे हुए इंसान जाने जाते हैं, अच्छे फिल्म मेकर जाने जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके ऊपर, एक अच्छे इंसान और एक फिल्म मेकर के रूप में? प्रदीप शर्मा के व्यक्तित्व में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पहली बात, वो जो फिल्म बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं उसमें जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं उन्हीं को रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो 100% प्रूफ किए हुए होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यही लोग हमारे साथ चलें, क्योंकि अगर वो हमारे ऐसे समय पर साथ देते रहे हैं जब हम बहुत कम पैसे में फिल्म बनाते थे, और उसके बाद आज भी हम जो बनाते हैं एक अच्छे बजट के रूप में बनाते हैं और सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रदीप शर्मा के खुद के व्यक्तित्व के बारे में ये कहें कि वो सभी को परिवार के साथ जोड़ कर रखते हैं। तो इसीलिए बस इतना ही कह सकते हैं कि उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। और फिर लिट्टी चोखा की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से उस फिल्म को लेकर के? फिल्म के डायरेक्टर पराग जी हैं, इस फिल्म में भी वही डायरेक्टर हैं। पराग जी के साथ काम करने का जो आनंद है, मैंने कहा ना जो भी काम करते हैं आनंद के लिए करते हैं, तो पराग जी उस जीवन में जितनी भी फिल्में हमारे साथ, अभी ये लगातार तीसरी फिल्म है और मैं लंदन में था उनके साथ तब भी फिल्म की थी, उनके नेचर के साथ और फिल्म की स्टोरी के साथ और आर्टिस्ट के कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरी यूनिट के कोऑर्डिनेशन के साथ जॉली एक माहौल बना के रखते हैं, तो इसलिए और अच्छा लगता है और आसानी से काम हो जाता है और फिल्म भी लिमिटेड समय में पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको फिल्म का अगर फिल्म आपकी ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाती है तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और प्रोड्यूसर के लिए वो सबसे बड़ा जीवनदायिनी होती है। सर एक बड़ी बात करें जो है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की, डमरू फिल्म से इस माइनर से जुड़े और उसके बाद लगातार फिल्में कर रहे हैं, लिट्टी चोखा बाद आवाज की क्या कहना चाहेंगे? खेसारी लाल का एक गुण है कि वो चाहता है कि पूरे जितनी भी फिल्में बने उसमें मैं ही हो रहूँ और उसके लिए वो प्रयास करता है। वो अपने शरीर को लेकर बहुत जागरूक रहता है, पूरी मेहनत करता है और सुबह अगर 6 बजे का कॉल टाइम है तो वो 4 बजे से अपना जिम ख़त्म करने के बाद वो उसमें पहुंचता है और टाइम से आके सब लोगों के साथ में जल्दी जल्दी फिल्म करता है और कोशिश करता है कि इस फिल्म को करने के बाद दूसरी फिल्म भी मैं करूँ, तीसरी फिल्म करने के बाद तीसरी फिल्म भी मैं करूँ। तो ये एक जो पिपाशा, काम की पिपाशा जो बनी रहती है वो उसके अंदर है, वो उसका प्लस पॉइंट है, इसलिए वो लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ कंफर्टेबल जोन में भी हैं। बस इतना ही कह सकते हैं उनके बारे में कि बहुत एनर्जेटिक हैं और लोगों को साथ में लेके चलते हैं, अपने को आर्टिस्ट के साथ सहयोग मिलता है, यूनिट के लोगों के साथ सहयोग मिलता है, तो इसीलिए लगातार हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। लिट्टी चोखा की बात करें तो उसमें हीरोइन काजल राघवानी जी हैं और इसमें जो है आम्रपाली जी हैं, तो ये हीरोइन के बदलाव क्या है? हीरोइन का कोई बदलाव नहीं है, जिसके पास जितना समय है उसके हिसाब से है। काजल जी को भी अप्रोच किया गया था बट उनकी व्यस्तता कुछ ज़्यादा थी, आम्रपाली जी को की व्यस्तता थी लेकिन उन्होंने इन ड्यूरेशन में वो खाली थी तो उन्होंने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये ऐसा कोई ये नहीं है कि केसारी जी के साथ काजल जी हैं या आम्रपाली जी हैं या कोई अन्य हीरोइन है, उसका कोई मतलब नहीं, अभिनेत्री तो अभिनेत्री ही है और अभिनय उसको करना है, लेकिन बात है समय की बात है कि उस वक्त वो उस फिल्म के लिए मौजूद है या नहीं, उनकी डेट्स किसी और जगह थी इसलिए आम्रपाली जी इसमें आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी है या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनकी व्यस्तता और बाध्यताएँ कुछ और हैं और इस समय हमको हमारी खूबसूरत आम्रपाली जी मिल गई हैं और उन्होंने तो बहुत काम किए हैं, तो एक केमिस्ट्री ये भी अलग बनती है, अब देखते हैं ये कहाँ तक रंग लाती है। बात करें केमिस्ट्री की तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो की केमिस्ट्री में अगला फिल्म जो सुनने में आ रहा है सूत्रों से पता चला एक अलग जूनर की फिल्म है, उसमें हीरो भी अलग हैं और फिल्म का नाम भी बहुत अलग है, क्या कहना चाहेंगे? अंगूठा छाप सबका बाप। सबका बाप अंगूठा छाप, ये फिल्म एक अपने आप में, एक तो जिस तरीके का टाइटल शीर्षक है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो सबका बाप अंगूठा छाप है।
हीरो भी अलग है, क्योंकि कहानी जो भी होती है उसके लिए उपयुक्त चरित्र भी होना चाहिए। तो उस स्टोरी के लिए निरहुआ जी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। और मुझे मैं जो कहूँगा कि निरहुआ जी के साथ भी मैंने 3 फिल्में कर चुका हूँ, लंदन में भी कर चुका हूँ, उनके साथ काम करके मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई है और बहुत कॉपरेशन है उनका। तो उत्सुकता रहती है कि दिनेश लाल जी के साथ काम करने हैं, तो मन के अंदर एक उत्सुकता पहले से ही आ जाती है कि अब और अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी अन्य अभिनेता के साथ काम करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक गुदगुदी होती है ना, तो दिनेश लाल जी के साथ काम करने में थोड़ी सी गुदगुदी होती है कि अब जो है भैया के साथ काम करने में मज़ा आएगा। और सर ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जैसे कि बैनर से ढेर सारे ट्विस्ट में देखने को मिलते हैं, अब जैसे कि सबका बाप अंगूठा छाप, अब इसमें हीरोइन भी जैसे कि निरहुआ जी आम्रपाली की हीरोइन जोड़ी जो है बड़ी हिट है और पब्लिक बार बार देखना चाहती है, लेकिन इसमें हीरोइन भी चेंज कर दिया आपने, फिर एक नया ट्विस्ट ला दिया है आपने अगली फिल्म के लिए। जिस तरीके जिस समय हम सबका बाप अंगूठा छाप पे काम किया जा रहा था, पारेख पाटिल नहीं 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 और राकेश त्रिपाठी जी, जो कि अपने आप में बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं, अभिनेता तो है ही हैं और दूसरा लेखन शैली में भी उनका अपनी निपुणता है। तो वो स्टोरी लिखते 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 करेक्टराइजेशन भी करते रहते हैं। तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने कहा कि इस केमिस्ट्री में जैसे H2SO4 बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं केमिस्ट्री में, उसी तरीके से उन्होंने सोचा कि इसके लिए अगर हीरो ये है तो इसमें हीरोइन ये मैच करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने H2O को पानी की तरह बना दिया और ये तय है कि इस फिल्म की केमिस्ट्री कुछ अलग होगी, उसका रुआब अलग होगा, उसका ख्वाब अलग होगा, उसका सपना अलग होगा और उसमें दर्शकों के लिए भी एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो उस केमिस्ट्री को हम लोग जैसे ही फ्लोर पे लाएंगे तो आपको फ्लोर से ही सुगंध आने लगेगी कि वाह, सबका बाप अंगूठा छाप। तो कह सकते हैं कि जो लिट्टी चोखा से जो शुरुआत हुई है इस साल की जो है लॉकडाउन के बाद से फिल्म मेकिंग बाबू मोशन की, तो इसमें जितनी फिल्में आ रही हैं हीरो हीरोइन में कहीं ना कहीं अदला बदली है, तो ये कहानी के डिमांड के हिसाब से ना कि प्रोडक्शन के हिसाब से। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि हमने सबसे पहले जो बुंदेलखंड में बहुत सारी संभावनाएं हैं लिट्टी चोखा। और मैं सबसे पहले तो प्रदीप शर्मा जी को ये कहना चाहूँगा कि वो मुझ पर विश्वास जताते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आंख बंद करके कह देते हैं कि भैया मैंने कह दिया कि हम यहाँ शूटिंग करेंगे, तो वो तुरंत कह देते हैं हाँ भैया वहीं शूटिंग करेंगे। और इसमें पराग पाटिल का भी बहुत बड़ा योगदान इसलिए है कि जैसे ही उन्होंने देखा और बुंदेलखंड की धरती पे जब आए तो उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत अच्छी, मतलब पहला ही शब्द था कि माइंड ब्लोइंग जो लोकेशंस हैं और वहाँ के लोगों का जो प्रेम है, वहाँ 5-5 हज़ार लॉकडाउन के समय भी 5-5 हज़ार लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन मजाल है कि किसी को भी कोई कोरोना हुआ हो, 100 लोगों की यूनिट होने के बावजूद भी सब सब लोग सकुशल वापस बम्बई गए थे। सबसे पहले हमने प्रिकॉशन ये रखा था कि हर व्यक्ति का चेकअप करते थे। बाबा मोशन पिक्चर्स और प्रदीप जी और मैं हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सारे हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उन लोगों को सुविधाएं के साथ साथ मेडिकल संरक्षण भी मिलना चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखा। फिर जो बुंदेलखंड की लोकेशन थी वो बाकी लोकेशन से बिल्कुल डिफरेंट थी। हमने तो ये फिल्म भी जो हम आशिकी करने जा रहे हैं उसको भी चित्रकूट में डिज़ाइन किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पर संभव नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर नहीं शूटिंग करेंगे, चित्रकूट में आगे चलकर हम शूटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी और प्राकृतिक सौंदर्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री रामचंद्र जी जो हमारे आराध्य कहलाते हैं, जब वनवास की बात आई तो उन्होंने चित्रकूट की भूमि को तय किया, तो वो कितनी पवित्र भूमि हो सकती है। दूसरी बात, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने सनातन धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना की है, वो भी वहीं बांदा जिले में राजापुर जगह है जहाँ से उन्होंने लेखनी का कार्य शुरू किया और आज हमारे पूरे सनातन धर्म में एक अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ उन्होंने तैयार किया। तो जब वहाँ की भूमि इतनी पवित्र और पावन है तो हम उसी मिट्टी की सुगंध को फिल्मांकन के माध्यम से
देश विदेश में प्रस्तुत करने के प्रयास हमने किया है, और आगे भी चलकर हमारा कोशिश ये रहेगी कि बुंदेलखंड की जितनी अधिक संभावनाएं हैं उनको कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। वैसे भी वीर भूमि कहलाती है वो, बुंदेलखंड में आल्हा गायन बहुत प्रचलित है, बहुत बड़े शूरवीर हुए हैं, तो ऐतिहासिक पुरातत्व के हिसाब से यदि देखा जाए तो बुंदेलखंड का अपना अलग महत्व है, अलग गरिमा है, और इसी को प्रचार प्रसार के माध्यम से और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि अगर विदेशों में इस क्या कहेंगे इस लोकेशंस को लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पर आकर्षित होंगे। और योगी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि नोएडा में भले ही हेड ऑफिस बनाओ लेकिन उसकी ब्रांच जो है बुंदेलखंड में ही बनाइए, क्योंकि वहाँ कश्मीर भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे दुआब खेती का दुआब भी मिल जाएगा, पहाड़ भी मिल जाएंगे और झरना भी मिल जाएगा और लोगों की बोली भी मिल जाएगी, संस्कार भी मिल जाएंगे। तो ज़रूर मैं अपने आपके माध्यम से हमारे सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुंदेलखंड में शूटिंग करें, और सफलता की गारंटी तो जहाँ श्री राम है वहाँ सफलता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं जानता हूँ और निश्चित तौर पर ये होगा ही। सर आपको ढेर सारे बधाइयाँ एक नई फिल्म की शुरुआत किया लिट्टी चोखा के बाद, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, पहले तो सबसे पहले नमस्कार कहना चाहूँगा और जो भी श्रोता दर्शक गण हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी दूसरी फिल्म जा रही है और आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की दुआओं से ये फिल्म भी हमारी कुछ अच्छी जाएगी, इसलिए अभी से शुभकामनाएं मैं आपको भी दे रहा हूँ। जैसे कि एक तरफ लिट्टी चोखा तैयार रिलीज के लिए तैयार है, ऐसे में उस रिलीज की तैयारी के साथ साथ नई फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होना शुरू कर देना एक बड़ा बोझ भी होता है, चैलेंज भी होता है, अपने आप में कैसे मैनेज हो सकता है? इसको बोझ नहीं हम कह सकते, इसलिए क्योंकि लिट्टी चोखा करने के बाद हम तुरंत ही लंदन चले गए और लंदन में हमने एज एन एक्टर 4-5 फिल्में वहाँ पर की। उसके बाद जब वहाँ लॉकडाउन हो गया तो फिर हम वापस हिंदुस्तान आ गए, तो उसी तारतम्यता में हम जुड़ गए क्योंकि प्लानिंग तो हमारी बहुत पहले से थी, हमें लगातार हमारी 3-4 फिल्में एक साथ प्लानिंग में हैं, तो उसके बाद हम उसमें लगे और काम करने में आनंद आता है, हम आनंद करते हैं, हम इसको बोझ की दृष्टि से नहीं देखते हैं, जिस चीज़ में आनंद आए उसको करने में मज़ा आता है, तो हम भी आनंद ले रहे हैं। तो मैनेज कैसे कर पा रहे हैं कि रिलीजिंग के लिए भागम दौड़, इधर परमिशन लेना, शूटिंग को मैनेज करना, ऊपर से एक्टिंग करना, ढेर सारी जिम्मेदारियां निर्वहन करना, कैसे संभव हो पा रहा है? ये सिर्फ हमारे जितने सहयोगी हैं, हमारे छोटे भाई लोग हैं, उन सब लोगों के सहयोग के माध्यम से ही ये सब काम हो रहा है। और बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड एक परिवार की तरह है, क्यों जो जिसका मुखिया प्रदीप शर्मा जी हैं, जो हमारे हर एक एक सदस्य को, चाहे छोटे काम करने वाला हो या बड़ा काम करने वाला हो, उन सबको जोड़ कर रखते हैं। तो जो परिवार जब बड़ा होता है तो सारा काम बड़े आसानी से निपट जाता है, तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रहते हैं। और मैं जिस शहर में भी जाता हूँ वहाँ मेरे जो छोटे भाई लोग होते हैं या मेरे मुझसे बड़े होते हैं, उन सब का स्नेह और प्रार्थना दोनों जगह का सामंजस्य होता है और फिर ईश्वर की कृपा मुझ पर अपार है, तो मुझे मैनेज करने में बिल्कुल ना तो डर लगता है ना परेशानी होती है, मुझे तो सिर्फ कृपा मिल जाती है और कृपा के माध्यम से ईश्वर ही सब मुझसे कराता जाता है और वो आसानी से होता जाता है। इसके बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं और मैं इसको बयां करूँगा तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हम लोग को दुआओं के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से मिलती रहती है, जिससे हमें हर काम में बड़ी आसानी से सफलता और सरलता से हो जाती है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।